हमारे भारतीय वीर सैनिकों को सुबह में दूध और ब्रेड का नाश्ता मिलता है और आपको बता दें कि जो सिपाही दूध नहीं पीते उनके लिए चाय और पराठे भी बनते हैं। यह सैनिक पर निर्भर होता है कि उसे किस चीज से नाश्ता करना है। वे चाहे तो दूध के साथ में नाश्ता कर सकता है और चाहे तो चाय के साथ भी अपनी सुबह की शुरुआत कर सकता है। लंच में भारतीय सैनिकों को प्रोटीन से भरपूर दाल, हरी सब्जियाँ, रोटियाँ, अचार और साथ ही ढेर सारा सलाद दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो सिपाही नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अलग से नॉनवेज भी तैयार होता है और भारतीय सेना में सैनिकों को नॉनवेज भी दिया जाता है। यह सैनिक के ऊपर होता है कि उसे शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए या मांसाहारी। इसके बाद शाम को उन्हें दोबारा चाय, कॉफी एवं दूध जो वे चाहे वह दिया जाता है और उसके साथ ही प्रोटीन से भरपूर चॉकलेट और बिस्किट आदि से उनका पेट भरा जाता है। बता दें आपको कि जब एक सैनिक अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने बेस पर आता है तो उसे आराम करने का पूरा मौका मिलता है और साथ ही अपने साथियों से बातचीत करने का भी उसे मौका दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी अगर किसी भी समय कोई इमरजेंसी आती है तो चाहे वह सैनिक कुछ भी कर रहा हो उसे सब कुछ छोड़कर ड्यूटी पर वापस आना होता है। डिनर में भारतीय सैनिकों को उनकी मनचाही चीज परोसी जाती है लेकिन वे सिर्फ भारतीय फौज के मेन्यू से ही पसंद कर सकते हैं। वे बाहर से कोई अपनी मन पसंदीदा चीज नहीं मंगा सकते। हाँ, लेकिन वे उसके लिए अर्जी दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी जवान का कुछ अलग खाने का मन कर रहा है तो वह जवान अपने सीनियर को उसके बारे में इंतलाह करेगा और उसे बताएगा, तब यह सीनियर उस जवान को वह चीज उपस्थित कराएगा। दोस्तों, भारतीय सैनिकों को मीठा भी परोसा जाता है और जिस सैनिक को मीठा पसंद है वह इसका भरपूर आनंद लेता है और लगभग सभी सैनिकों को मीठा भी दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे सैनिकों का रोज का भोजन। दोस्तों, हमारे भारतीय सैनिक सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं त्यागते बल्कि वे अपनी हर पसंद को देश के लिए भी त्याग देते हैं और देश की सेवा में जी जान से लग जाते हैं। यही खासियत होती है एक सैनिक की। और आपको बता दें कि हर सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है।